सो कल है एक ताबड़तोड़ मुकाबला चेन्नई बनाम नॉर्थ ईस्ट के बीच जो कि खेला जाएगा चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर रात के ठीक 7:30 बजे। तो बात करेंगे हम उसी मैच के बारे में, प्लेइंग 11, इंजरी कंसर्न्स, हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में और करेंगे हमारा 3 बॉल प्रिडिक्शन इस मैच के लिए। तो चलिए देर किस बात की, लेट्स बिगिन। आखिरकार किसका पल्ला है भारी और कौन मार सकता है इस मैच में फिर से बाजी। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो यहाँ पर जो है मामला इतना गंभीर है नहीं, क्योंकि देखिए सीधा सारा बात है, दोनों टीमों ने कुल मिलाकर 19 मैच खेला है और जहाँ पर 7 जीता है चेन्नई ने और 7 जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने और 5 मुकाबला ड्रॉ पे समाप्त हुआ है। और तो और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों टीमों ने कुल मिलाकर 37 गोल स्कोर किया है और कुछ मामला ऐसा ही मतलब इक्वल सा चल रहा है नॉर्थ ईस्ट और चेन्नई के बीच। और हमारा जो प्रिडिक्शन है वो तो हम बाद में कर ही देंगे। सो मूविंग ऑन, और हम बात कर लेते हैं इंजरी कंसर्न्स के बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए ऐसा कोई गंभीर मामला तो नहीं है, बट अगर टॉमी यूरिस अभी भी फिट नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत में टीम आ सकता है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉमी यूरिस शायद इस मैच के लिए फिट एंड फाइन है और क्योंकि उनको टीम की सख्त ज़रूरत है तो मुझे लगता है कि कोच उनको खिलाएंगे भी शायद इस मैच में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। तो मुझे नहीं लगता कि वान पेड्रो बनाली शायद कुछ ज़्यादा बदलाव करेंगे इस मैच के लिए। एक जो बदलाव मैं पर्सनली देख रहा हूँ वो ये है कि मनवीर के जगह पार्थिव गोगोई को एज ए स्ट्राइकर खेल सकते हैं और मुझे लगता है कि कोच उनको खिलाएंगे भी, क्योंकि देखिए चेन्नई के खिलाफ ना पार्थिव गोगोई का रिकॉर्ड कमाल का है। तो यहाँ पर जो है हो सकता है कि कल के मैच के लिए पार्थिव गोगोई को आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए मनवीर के जगह, और ऐसा भी हो सकता है कि टॉमी यूरिस स्टार्टिंग से ही खेल जाए हमजा के जगह और एज ए होल्डिंग मिडफील्डर मकाडोन या फिर फाल्गुनी को आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है उस मैच में। तो ऐसा ही कुछ जो है प्लेइंग 11 हो सकता है कल के मैच के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के। तो अब बारी आते हैं हमारी 3 बॉल प्रिडिक्शन की। तो देखिए पहला जो मेरा प्रिडिक्शन है वो ये है कि कल हमें एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर देखने के लिए मिल सकता है। मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है क्योंकि देखिए पहले भी हो चुका है, तो यहाँ पर हो सकता है कि कल आप लोग को फिर से 5 या फिर इससे ज़्यादा गोल देखने के लिए मिल जाए दोनों टीमों की मिलाकर। तो ये जो है मेरा पहला प्रिडिक्शन है। और नेक्स्ट जो प्रिडिक्शन है वो कहता है कि कल की जो मैच है ना, जो जीतेगा मुझे लगता है कि क्वालिफाई कर जाएंगे टॉप 6 में। जी हाँ दोस्तों, मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है, पर आप लोग की राय जो है आप लोग इसे कमेंट में दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि टॉप 6 में जाने के लिए ये मुकाबला बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोनों टीमों के लिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोल्ड प्रिडिक्शन की, जो ये है कि नॉर्थ ईस्ट टू विन द मैच। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से इस मैच को निकाल सकते हैं और अपनी जेब में फिर से 3 पॉइंट ला सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि काबिलियत इस टीम में भर भर गए हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों को फिर से देखने के लिए मिल जाए नॉर्थ ईस्ट एफसी कल के मैच को जीतते हुए। तो भाई लोग आज के लिए चाहे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा ही जो है अपडेट आप लोगों को हमेशा मिलती रहती है दो स्पोर्ट्स पे। तो गाइस आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और नए वीडियो में।